कुचक्री शकुनी शीर्षक बादीपाला द्वितीय भागर प्रथम अंश को मोर जो माँ माने भक्तिमती माँ माने जो माने समय को चाह के आरंभ हे कामदाम सारिक जो माने आसी से मानक स्वागत मोर भाई माने दिन सारा काम करी घरे मध्य बाकी तक काम बुझी जो माने क्लांत हो टे विश्राम खोजी आमर बादीपाला कार्यक्रम को देखुं सबुदिने से मानक साधुवाद सहित तो स्वागत कर मुह मो आखि आगे जपरी भासी जाऊँ सरस सुंदर भाव में कौतूहली से मैने महाभारतर एक पुनराभिनय पाला जरिया सते जपरी गीताभिनय होमर गायक मैने विभिन्न चरित्र जपरी अभिनय कर आनंद देवा चेष्टा कर साधुवाद दूची एतिसह मोर भाई माने जो माने मो सहित ये प्रार्थना चैनल रे काम करती काम करके सुंदर करा चाहते प्रभु से मंगल कर पुरातन गायक गोपबंधु ओझा बड़ सुंदर भाव संस्कृत रे प्रार्थना चैनल प्रार्थना चैनल मध्यम कहले मत बड़ सुंदर लगे से धिक्कार एमती ठीक दुर्योधन को से दिन धिक्कार दे थे भीष्म महाराज यथार्थ हो धिक्कार से धिक्कार पाई कुआड़े जीव सबु सहित तो धिक्कार कर श्रृगा गदा उचाऊ फिर आहरी हसुचे से अरे गदा उठे कौन करू तू तो फुकीदे मुझ पड़जी कि सत्य है तोर मंस खाया को आम इच्छा होज आम मंस खाइबा जे एमती गोटे लोकर मंस आम खाइबा जहा जो एत दिन जाके आम पेट पुरुला छी 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 बा महाभारत युद्ध पृथ्वीर सबु शास्त्र रे सबु साहित्य रे अनुवादित हो भारत रो एक चिरंतन कहानी की जीवंत करें आज देखुचे आमर नवकुमार लेंका महोदय द्वितीय भाग रे उपस्थित अच्छा मंच तांकर अधीन अच्छी से आहुरी जीवंत भाव में वर्णना करंतु आरंभ करिवे तोते चिन्नी छि मु नीलगिरी कालिया रे तोते चिन्नी छि मु नीलगिरी कालिया रे अरे जगत जन को भंडी भोग खाऊ हंडी हंडी जगत जन को भंडी भोग खाऊ हंडी हंडी बड़ भाई नाम तोर बड़ भाई नाम तोर अरे बोलिया रे तोते चिन्ही छे मो नीलगिरी कालिया रे सज्जन सुधीवृंद पुराण तोषिणी माँ भूणीगण विज्ञ प्राज्ञ अगणित भारत बर्षर आकुमारी हिमाचल प्रदेशर महाभारत शत्रुमंडली प्रार्थना चैनल को उपभोग कर समस्त ज्ञानी गुणी समीक्षक समालोच भाई मोर गोटे प्रश्न छाड़ी पुराण पांजी देखीदे साधारण लोक जानपर मार्गशीर मास शुक्ल त्रयोदशी गीता जयंती पालित हुए एवं गीता जयंती कौदिन जो दिन गीता जन्म है एवं भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत गीता कहले एवं सरला भीष्म जो दिन महाप्रायण है उत्तरायण गति कर सूर्य एवं जे भीष्माष्टमी आमर माघ मास शुक्ल अष्टमी रे पड़े अच्छा यही दिवस गुड़िक हिसाब से तिथि क्षय तिथि मिशामिशी है चौवन दिन तापरे उत्तरायण आसवरु पितामह भीष्म स्वर्ग अभियान कले इच्छा मृत्यु लोक आज मर्त्यधाम विदाय नेले भाई तक उत्तर जापारी ज्ञानी मैंने आमर बड़ पांजी देखी ताकू भी जापर भाई का प्रश्न सरीगला एथर कथा वस्तु आउ भाई कथा वस्तु को गोटे पाद मात्र आगेले दुर्योधन जो भाई मानसिक स्थिति रे गति करितिले एवं जो प्रकार रा गले कर्णर पुणी एड़े बड़ क्षमता हालाणी से मर्दराज शल्य को
सेनापति दायित्व देला अरे सेनापति दायित्व राजा दियंती राजा दियंती भाई टिके भल कि विश्लेषण कर चिंता कर राजा क्या सैन्य क्या सेनापति पदवी दवा क्षमता हूँ राजा तेणु शल्य जो किसी समय भी होती से सेनापति होती युद्ध कर एक स्वीकार कले पुणी गोल कहीदे कर्ण ताकि सेनापति कला जो घंटा हो युद्ध सरी ना आग को आद्ध अच्छी आपण भी जानते महाभारत आज अजणा साहित्य नुह छोट पा ठार बड़ पर्यंत हाई स्कूल माइनर स्कूल ले मध्य पाठ्यपुस्तक से कथा स्थानित हो मुड़ी जाऊना समय स्वल्प बर्तमान दुर्योधन भीष्म भर्सना पाई पहुंची कौटी आज्ञा अग्रता देखला शुणित तटिनी महाभय मृत सब मान पचा गंध आसे प्राण विकल दुर्योधन आज किए ता आखि आग को देखा जाऊना सेनापति प्रपितामह भीष्म इच्छा मृत्यु भीष्म भगवान दत्त लोक जी सी परामर्श दे बाबू गाँव में निशाप पड़ा बेली गोटे कथा हुए मुरबी लोक निशापटा फाइनाल करती ना से अमक लोक कह ये जाते कि मृत्युभेद क्या जनइले ना बतईले तुम दुर्वासा निकट को जाओ सी तुमको ये युद्ध में बंचा बाट देख पार भल कथा जाते बड़े नदी कूल उपस्थित होती नदी खर श्रोता आप कहले नदी दुई कूल लंघन कर दुर्योधन नदी भितर को प्रवेश कर पिंधी रणसांजु पोशाक अच्छी मुकुट अच्छी नदी में पहर केमी बास्तरी गदा बाहर गदा भी स्कंधरी अच्छी केमी जीव चिंता कला मुझे गोटे आश्रा कर समय गदा टी जो थी से गोटे सभा भल टी पड़ा गायक घनश्याम नायक कलम कले अरे करे धरी ताकु चिन्हिला प्रत्येक कथा तू मानुलु प्रति कथा को अक्षर अक्षर पालन कर जो भुजरे द्रौपदी वस्त्र को तू टाणी लग्न करने चेष्टा कर भीम शपथ बल बाहू दीटा तोरा उत्पाटन कर शब देह हाथ दीटा जाक ना एवं दुर्योधन दुशासन रब को देख चिंता करुची भावुची गत कथा ओडिया भागवत प्रमाण करी जगन्नाथ दास प्रथम अध्याय प्रथम स्कंध त्रयोदश अध्याय कुमंत्री जन तुले अरे निश्चे भुंजीबा राज्य संपद अरे जो उपदी भी वो सोना कहले गोविंद कोटि वस्त्र दुर्योधन प्रतिक्रिया हूँ
दुशासनर सबको देख दी भाई जाक मिसी आम कर प्रति क्षेत्र में भगवान कृष्ण गोविंद कला आम पारे ना कुमंत्री जनर परामर्श से आम जो कम गुड़िक दुशासन रब कहला कि मत छाड़ दियो तुमरी कथा मानी जो कर्म करी फल मुझे भाईना तम निजे चिंता कर कौन कर शब को छाड़ी दुर्योधन आउ गोटे शब ताखे लगला से शब को सी देखु गायक घनश्याम नायक कलम कले गला अभिभक्त बालेश्वर मल्लभद्र कौन कहले गौरव गौरव सबिता तु देव ये अंग देश महीपति बाहुबले पांडवे सकले जीवा थिला मो मती रे तू जदि अर्जुन को सामना करि पारि थांतु आउ पांडव ताक सब समक्ष रे जेते दिले मु कहा को छाडी दिन ना ना तेबे भाई ए विपद बेले तू भी छाडी के चली गलो चली गलो कुळ करिबार पाई हस्त प्रसारण हस्त प्रसारण कलेटी बारण कर्ण नछु हब जा पिता माता तुम संग लोली मुह कर्म जेते तुम संग लहु अच्छी शेष बाणी बारे घेन कर मन प्रवृत्ति छाड़ी कृष्ण आश्रा कर को सी भल आखि देखी पारे ना महामानी राजा दुर्योधन ये परामर्श शब्द गहर रु आसुले भी मन में प्रतिक्रिया होते भी सी शुणब कि छाड़देला आउ गोटाए शब लग जा देखु शब गायक घनश्याम नायक लिखले कौन लिखले एक देखले शकुनी सब विवश्च जहार परामर्श रे मु आज पाई एवं राजा हाली तारी जोगे ताकु तु आज यही भाव दंड दे शरीर खंड विखंडित ही नदी आज भाषुची शकुनी शब को देखी ये चिंता करूला बेले दुर्योधन पार्टी बाहर गायक घनश्याम नायक कलम कले कहले तोपरी मातुण हसभासी अछुची दूर दिग्गी बलयरु कपट अपसार पर भव तुम्हें जदि न भोगिब दुर्योधन भोगिब किए तील कर गांधार वंश को जन को मात्र खाद्य दे आमर शहे भाई आउ ता सहित बापा को बंदी कर रखी बापा पंजरा काठी छुई मु शपथ करी तृहंतार प्रतिशोध नेबी कि बाबू रे तू मो कथा बुझी पारा अरे शकुनी प्रेता अरे कुरुकुल ध्वंस ने मु काल कुंड अरे कुमंत्रणा दत्ता घाते मु जलाइली परा तोते वंश तोर बुड़ाइली भली की भले तोते दैव बाज्य हे
प्रेतात्मा कहूँ रे दुर्योधन आम शहे भाई की जो पथर घरे बंदी करूँ बरफल परिश्रम भासीगला जो दासी तुमको कथी कही तारी सात दिन पर मत आणिकी तू प्रधानमंत्री करवा योजना कलु मोरी परामर्श से चलु मु पिता शब छुई शबत करी सभा सान भाई मुहे भाई गोटी गोटी मरीगले कहले सान भाई टा बंची था भातृहत्यार पितृहत्यार प्रतिशोध तू नबु भाईना यही पद टिके बाछिकी गोटे छाड़ देखा सार पाड़ी शकुनी प्रत एक कहला बेले पुणी शकुनी प्रत कहला मु तो मामु नुह मु काल नाग सर्प तो वंश को ध्वंस करने कान रे जो मंत्र देली गरल तो कान रे गरल पिंदे गरल पकाई मु तो सब वंश को ध्वंस कली शकुनी सब एवं कांदुची भावुची दुर्योधन कहीं कांदा अरे भ्रत भो गिरीर वंश पानी मुंदे देते आउ कई नहांती आए पोला रे दुर्योधन पश शरण अरे रखिले रखिबे टी सेनारायण यदि पाद तले पड़ी जिबू हुए तो कृष्ण तो रक्षा करी पारे किंतु रक्षा करी पारिबो कि कोन तू जा एवं एही समय रे जीवन विकल रे शकुनी कही देई अरे भीम आसुची पांडव पांच भाई जाक सांगरे आसुचंती भगवान कृष्ण मध्य सांगरे आसुची पळाई अछु बाबू लुची बु काही आसुची भीम पुणी संगे कन्हाई सब उपरे भरा दे दुर्योधन पार हो जाइए नदी एत गुड़ाए शब बुड़ी जाऊला बेले गोटाए शब जो उद्धार कर शब टी सी आर पटे लौटे देख लौटे देखिक कौन देखला आपणकर विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंह राग जयंत कला कईवाणी वृत्त गोटाए जोड़ाए पद आणवा सतसठी छांद भाई टे बही देखी दिने नजर कर दो निश्चित सारे देखी निधन संखाली मोर दरी दो बाप को कांदरे नहीं था एमती आज समय है तो सब को मु सत्कार करी ता सब को से सत्कार करने प्राण भय रेणे चली बड़ भाई गोटे प्रश्न रखा आम पाली सरी आस भाईना महाभारत अनेक लोक मले अनेक सैन्य सेनापति मले कि पोड़ा है किए आउ पोता हला के आउ उभा दिला के ये कथाटा भाई ना आइले आर पाळी रे टिके कोई गुआ दे देबे जणा थिबो आपण मानकु हौ हौ दुर्योधन सब सत्कार करी आज दुर्वासंग ठारु प्राण रो भिक्षा करी व्यास सरोवर रे प्रवेश करी आज्ञा ओडिया महाभारत अष्टादश दिवारात्र अनिद्रा से थिला सबूतक निद्रा जाक नयने कहला दक्षिण शिर करी दू
ଅନନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ଯାଇଛି। 18 ଦିନ କାଳ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ, ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରଣରେ ଶୋଇନଥିଲା। ସବୁ କାଳ ନିଦ୍ରା ଏକକାଳୀନ ତାକୁ ଗ୍ରାସିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଆପଣ କାହାଣୀ ସାରିବେ, କାହାଣୀ ଧାରାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଯିବେ। ଆପଣ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଡ଼ିକି ଅଧିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଇଏ ବଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବାଦ ପାଲା ହଉଛି ଭାଇକି ଭାଗ, ତେଣୁ ଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପୋଡ଼ା କିଏ, ପୋତା କିଏ, ଉଭା କିଏ? ମହାଭାରତ ସମର ଭିତରେ ଏ କଥାଟି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବାସ୍ କହିଦେବେ ନା। ଏ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସହି ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି, କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସହି ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି, କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସହି ଆରେ ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ତାହାକୁ ମରୁଛ, ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ତାହାକୁ ଶକୁନିର ପ୍ରେତାତ୍ମା ହସୁଛି, ଉପହାସ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ ଭଲ। ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଛି, ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଟିକେ ଟିକେ କରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ତୋତେ ଶେଷ କରିଛି। ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବଂଶନାଶ କରିଥିଲୁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ମୁଁ ତୋତେ ନିଃଶେଷ କରିଛି। ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନ ବିକଳ ସେ ରହିଛି। ଏତିକିବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପରିଣତ ବୟସ୍କ ଗାୟକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଝା ମହାଶୟ। ଆପଣ ଲେଙ୍କା ବାବୁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଝା ମହାଶୟ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡି ମାରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିବ, କି ଦଶା ତାକୁ ଘଟିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥିଲା ଶକୁନି ମାମା, ଶକୁନି ମାମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତକୁ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଣ୍ଡିଟି ମାରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା, ନବବାବୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଗଲେ ନାଇଁ କିରେ? ସଧେୟ ସାନ ଭାଇ ମୋର, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ପାଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଗଲା ଏ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ କି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇକି ଦୁଶାସନକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିନ୍ତ, ଏଣେ ଶକୁନିକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦି, ମାମୁଁ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଇକି ଗଲେ, ନିଧନ ସଂଖାଲି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମୋର ବୃଦ୍ଧ ରତ୍ନ ହାର। ଆଉ ତାପରେ ଗାଇଲନି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ହର, ଏଇଆକୁ ଯଦି ଗାଇବ ପାଲା ଇଏ ପାଲା। ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଜି କେମିତିକା ପାଲାଟା ହଉଛି, ଶୁଣ ଦେଖ ଦେଖ। ଛାଡ଼ିଗଲା ଯେବେ ପୁରାଣ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବରଜ ବନ୍ଧୁ, କେମିତିକା ପାଲା ରେ ପ୍ରାଣ ମୋର ନେଇ ଯା ଯା, ଛାଡ଼ି
ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ଟିକେ ବାକ୍ଶୈଳୀଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଲେ କଣ କିଏ ମରିଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହେଇକି କିଏ ମରିଛି, ଶୋଇକି କିଏ ମରିଛି, ବା ପୋଡ଼ା ହେଇକି କିଏ ମରିଛି, ପୋଡ଼ା କିଏ, ଉତା କିଏ, ଉଭା ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦିକି ବାଗଲ, ବାଲିରେ ପୋଥି ଦେଇ ଗଲ, କାହାକୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପୁତ୍ରକୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟନ ପୁଅକୁ ବା ପୋଥି ଦେଇକି ଗଲ, ଆଉ ଶୈଳକୁ ବା ପଡ଼ି ଦେଖି ଗଲ, ପୁଣି ମତେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ଉଭା, ଆଉ ଉଭା ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ବେଲାସନ ମୁଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ଭୀମ ଆଇଲା ନିଜ ଗଦାରେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କଥାଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ପୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟହନକୁ ନ ପାଇଲେ, ପାଣ୍ଡବ ସେନା ନ ପାଇଲେ, ଶେଷରେ ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚଜନ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛ ନବବାବୁ, ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ ଯେମିତି ସିଏ ଫୁଙ୍କିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖକୁ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ, ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ଜେ ଜେ କା ଧୁନିରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଏଣେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନେ କହି କୁନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜୟ ଟିକା ଲାଳସାରେ ତାଙ୍କି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା କୁନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଅର୍ଘ ଥାଳି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ମା କୁନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ମା ଦେ, ମା ଦେ ତୋ ପାଦ ଧୂଳି, ଆଉ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ମା ଯାଇକି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏବେ ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ଆମକୁ ଦେ, ଆ ଛଡା ବିଜୟ ଟିକେ ଆମକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। କୁନ୍ତି କହିଲେ ତୁମେମାନେ କୁହ କି ଆଗେ ଦୁର୍ଯ୍ୟହନକୁ ମାରିଛି, ତାରି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଗେ ଶ୍ରୀ ବାବା ବିଜୟ ଟିକା ଦେବି। କେହି କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ, ଭୀମ କହିଲା ମା ମୁଁ ବହୁତ ମାନୁଛି, ଏଇ ଗଦା ପାହାଡ଼ରେ ଭୀମ ବୋଧେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଯିବ। ଭୀମ ଏଇ କଥା କହିଲା, କୁନ୍ତି କହିଲା ଦୁର୍ମୂର୍ଖ କହ କିଏ ମାରିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଏ ମାରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ତାରି ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ଟିକା ପିନ୍ଧାଇବି। ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହେଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ମାରିନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମାରିନି। ସହଦେବକୁ ପଚାରିଲେ, ସହଦେବ କହିଲା ମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି, ସିଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଜଳଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଳରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ମା କୋଳରେ ପୁଅକୁ ଆଣିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମାନେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିଗଲେ। ମୁଁ ଜମାରୁ ପର୍ବ ଉଡ଼ିମିନି ନବବାବୁ, ରାତିରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଚାରିପାଖ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମାନେ ଘେରି, କାହିଁକି ନା ରାତି ପାହିଲେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ନିୟମ ରହିଛି। ରାତି ଯେମିତି ପାଇଛି କେମିତି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯିଏକି ବାଗିନୀ ଡକ୍ଟର ରଜତକର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କଣ ଦେଖେଇବା? ହଉ ର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ଦିଶି ନାଶ ହେ ମୋ ସଜ୍ଜନ, ହେ ମୋର ମା ଭଉଣୀ, ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ
सिंहरड़ी दे भीम डाकिला सिंहरड़ी अभिमंत्रित करदे कहीं सिंहरड़ी करामती कौन स्वर्ग मत्ते पाताल तीन पुर व्यापी समस्ते थरले भीम सिंहरड़ी दुर्जन महालक्ष्मी माँ कोल अठर दिन युद्ध थका रात अनिद्रा नव बाबू गायक गले तेणु कथा कौटी पड़ी ना से शोला बेले सिंहरड़ी दे कही ना भीम गोलक सुत तू लुचि अछुत उठी पड़ा दुर्जन उठी पड़े जमी उठी पड़े महामाया चापी दे कहले बाबा दुर्जन तू मो धन मो पुटा पड़ा मो कथा शुण कौन तू जब भीम तीन लड़ी सही ताले तू हस्तिनार राजा थिलु प्रजा मान तो पाद सेवा करे कथा मानि जाना ये माया भी अच्छी सेठारे जान माया भी भगवान कृष्ण अच्छी तू गले तोर निश्चिंत विपद हम जिते कहले आज्ञा दुर्जन आखि कौन निदेर का बच्चा जरूर शेर होगा कभी नहीं सुगार होगा सिंह छुआ सिंह सिंह पर उठी पड़ी महामाया जिते चाहिए भी मतलब समय भगवान कृष्ण मंत्र कहले भीम ये ओरिया पद आईलानी ये आसू नहीं ये दुर्जन उठू कहीं से जल स्तंभन मंत्र दुर्वासा आनी नीरव गोटे संस्कृत श्लोक आसमित संस्कृत सब श्लोक शुणी मन अवसर ये पाठ जो अच्छी ना गोटे संस्कृत महाभारत श्लोक कौन श्लोक श्लोक कहले रे रे नराधम कुलांगार कुग्राही संख्या वचन ध्रुव बसती तुम्बारी मध्य प्राणाते किंग पौर संतव शरण धर्म राधे जद बांचती कल्याण भीम सिंह रड़ी दे कहला रे रे दुर्योधन खाड़ी धरा बक्ष ये धरा बक्ष को मु तो रक्त शुणी ते नब तो रक्त धोईदेवी शपथ करसती तुम्बारी मध्य मूर्ख दुर्योधन अरे ये पानी भितर जाए लुचिचु ये तोर कि पौरस कहना मु कुरुकूल चूड़ामणि अंतर्घ मणिमुकुट मो मथार उपर को उठिया देखा के उठिया पाख को आ भिड़िया युद्ध कला बेले शोचु कौन बसीचु कठिया ये तो ये भली डाकी आज्ञा महामाया लक्ष्मी को आल शोले जन उठी पड़ा सी समाधि हब ना कौन कहला दूर हुआ दूर हुआ तु ही हित नीच हृदय आलो चाहे नाही उपदेश आलो चाहे नाही नीच देखवारे भल चाहे नाही उपदेश मां को छली दे ये ते कोही वीर महामाया को से ये ते कोही वीर महामाया को जे खाली जला से अवसरे अरे खाली जला से अवसरे धन रे 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 अरे जाओ नहीं दुर्योधन रे महामाया लक्ष्मी धरिछन तंग छेल लेला तथापि मातृहृदय कांदी उठिला तार ना महालक्ष्मी को कहला रे धन माँ पड़ी तले तथा डाक रे धन जाओ ना जान
এই সময় দুজন কৌশি কলা মা মা তু মু মু ক্ষত্রিয় সন্তান মু ভীরু কাপুরুষ বলে লুচিকি রহবি এ মূর্খ মতো কৌছি গোলক পুত্র বলে মু উঠি আইলা কাই কলা পছ ঘুঞ্চা না পছ ঘুঞ্চা দেবি তা হয়ে পারিব কি কৌছি দুর্যোধন কলা মা এতে কই কই কম কলা আগু বাহলা কমিটি যাচ্ছি বাহু রে বাহু কচারি বাহু রে বাহু কু কচারি দুজন বাহারি গলা কিয়ে রে যার জমতে করিলা এ মানে তো কইছিলে গোলক পুত্র ইয়ে কইলা কিয়ে রে যার জ আরে যার পাঁচ পাঁচটা বাপ যার ঠিক ঠিক না নাই যার জমতে কিয়ে আহ্বান করা কিয়ে ছে অছি তুম ভিতরে বিয় আস মো সাঙ্গে লড়িব আস আস তুম পাঁচটা ভিতর কিয়ে অছি আস যুদ্ধ করিবা আস দুর্যোধন এইভাবে ডাকিছি মুরুকি হসুচ্ছন্তি ভগবান কৃষ্ণ কলে কলে দুর্যোধন মান গোবিন্দ শুন আমি তুম সহ যুদ্ধ করিবে আমার এই ভীম যেত এই কথা কইদেলে রাগর তো জর্জর হচ্ছে কি সে দুর্যোধন দুর্যোধন কৌছি ভগবান কৃষ্ণ কলে এ এ পর ভাত খিয়া গৌড় টোকা 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 যমুনা কূলরে ভাঙ্গুছু ঠেকা যমুনা কূলরে ভাঙ্গুছু ঠেকা কামিনীক প্রেমে হইন রঙ্কা কামিনীক প্রেমে হইন রঙ্কা রস করু থাউ ন থাই দকা রস করু থাই ন থাই দকা আরে আরে বোকা আরে আরে বোকা রাজনীতি কথা জানি নু তু তা কি কইলে ভগবান কৃষ্ণ কো দুর্যোধন কো কলা পর ভাত খিয়া গৌড় টোকা গৌড় টোকা তু পর ঘরে মাউসী ঘরে রই ভাত খাউছ তোর ইয়ে রাজনীতি কি তু কি কাহিকি কাহিকি তো ভীম সহিত যুদ্ধ করিবা পাই ভগবান কৃষ্ণ প্রস্তাব দেলে সেইতি পাই কইলা দুর্যোধন কলা রাজা সঙ্গে রাজা সমর করই ইয়ে কথা তু কি জানু না লক্ষে রাজা র মৌরামণি লক্ষে রাজা হচ্ছে মোর কর দিয়া অনর্ঘ মণি মুকুট এ ভীমটা গোটে সাধারণ প্রজা তা সহিত মু যুদ্ধ করিবি হও এইটি প্রশ্ন দেবি এই মহাভারত শেষ সেনাপতি কিয়ে বঢ়াই দেবা কাম মহাভারত যুদ্ধ দুর্যোধনের জানুভগ্ন পরে গুরুপুত্র অশ্বস্থামা নিজে মুকুট ধরিকি আসছি এবং কহিছি আজি যদি মতে সেনাপতি করাইবে তাহলে পাণ্ডব মানুষ পৃথিবী পক্ষ নিপাত করিদেবি আজ্ঞা তা কথা পরামর্শে সে তা সেনাপতি করাইবার দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র মুন্ড কাটিছি এবং তাকে আনিকি দুর্যোধন পাখর দিয়েছি দুর্যোধন মন দুঃখে এ বংশর শেষ দিবস কালি বি যাওতিবার সে প্রাণ ছাড়ি যাইছি শেষ সেনাপতি হচ্ছেন গুরুপুত্র অশ্বস্থামা কথাটা হল কন যে কি ভগবান কৃষ্ণ কলি ইয়ে বা আমার হচ্ছেন রাজা রাজা কাইকি কাইকি কপালে হরিগোবিন্দ চিতা লগাই দেলে বাহুকু ধরি ভগবান কৃষ্ণ কপালে কপাল লগাই দেবার হরিগোবিন্দ চিতা যে ভগবান কৃষ্ণক মথার থিলা সেই হরিমন্দির চিতাটা উঠিগলা সেই হরিগোবিন্দ চিতাকু আজ্ঞা প্রণাম কলে ভগবান কৃষ্ণ এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তেণু এই যে দুর্যোধন ধিকার করছি কলা হে হে পাণ্ডব মানে ঠিক তুম জীবন আরে সাধারণ রাজ্য লোভরে তুমি এ কনিষ্ঠ কু প্রণাম কল এ কৃষ্ণ কথারে পড়ি কি এ ভীমটা কু রাজা বলে কই তাকে জুয়ার হল তুম জীবন কু সত ঠিক তুম লোভ কু সত ঠিক তেণু সে যা কলে আ ভীম আ আ আ যুদ্ধ করি বা আ এই সময় ভীম আজ আজ্ঞা গোডা গোডি ভিড়া ভিড়ি কচড়া কচড়ি
सम पुणी देवता सहित दुर्धन गदा युद्ध गदा गरी पचड़ा कचुरी बाहू युद्ध गला गदा युद्ध भी है भगवान कृष्ण इंगित दे पासुरा हूँ किए ना भीम तेणु केमी मरवा बाटा को जान भगवान भीम भी प्रतिज्ञा आगुरी कर सार मु तो जो जोपटी जो जानु बसवाई चाहूँ से जानु को मुझे भांगी तेणु सी मन पकईदे जमी जंघ से हाथ मारदे तेणु दुर्योधन जानु को गोटे पहाड़ पड़े ना दुर्योधन दुर्योधन तले पड़ जाइए जानु भांगी जाइए गोटे गोड़ डाण गोड़ा भीम आनिकी तर छाती पकड़ यही समय भीष्म ना ये कौन दुर्योधन कहते ठाएम आरे तु मारिदेलु मो जानुटा को भांगी देलु तु हिता ज्ञान भूल जाऊसान भूल जाऊ तु का छाती गोड़ पकड़ जाऊ मु मान गोविंद कुरुकु चूड़ामणि मु जानु भीम कहला कह कह दुर्योधन विजयी किए तू विजयी ना मुजयी कह दुर्योधन मानला से कहे विजयी तू ब्रुक दर गुरु चूड़ा मणि गुरु भंग करी दुर्योधन आज्ञा जानु भग्न हो ठीक पड़ी मानी तू विजयी बोली दर बोली मानी किए ना दुर्योधन यही समय आज्ञा आकाश मार्ग से गोटे ठो ठो कि जन हसिले किए हसला कई नुहे शकुनी प्रेतात्मा ये हसला नब जमी हसी दुर्जन गला किए अटो हस शकुनी प्रेतात्मा कहती रे दुर्जन मो हसटा मो पाटी टा तु बारी पारुनु मु किए मु तोर से मामू मु तोर से मामू शकुनी शुण शुण दुर्जन तु मो वंश को मारी जनक खाद्य खाई मु बची प्रतिज्ञा करी समूले कुलकु निपात करी मो ना टा को मुझे मो ना शकुनी केवल तोरी मृत्यु अपेक्षार मो आत्मा रही मो आत्मा मुक्ति हम बोल दिन जन संरक्षण महाबाहो दिन जन संरक्षण सर्वे आनंद मन रे हरि बोल हुड़ा बुड़ी दुख जाऊ कुचक्री शकुनी शीर्षक बादीपाला आमर शेष है आमर नवकुमार लेंका आ गोपबंधु ओझा ए दुई गायक समन्वय यह सुंदर भाव परेशित है शकुनीर शेष अट्टहास्य प्रेतात्मा शकुनी उपहास कर अट्टहास्य कला ताधेरे तार आत्मा शांति पाइब उपाय नहीं समग्र महाभारत दुईज एपटे प्रभु श्रीकृष्ण जे चाहते महाभारत जुगरे थिबा समस्त अन्याय समस्त अत्याचारी अविरत मंद कार्यर रत थिबा एही कुकर्मा मानंकु ध्वंस करिबा पई महाभारत युद्धर आयोजन अन्य पटे एही भळिया गोटे चरित्र जे कि होची जार ना हला शकुनी अपशकुन देई समस्त चिन्ह देई से ये भली भाव परिचालना करी कही किछी जानी पारले नाही दुर्योधन किछी विचार बुद्धि खटेला नाही सही सरे मंद बुद्धिर परिचालना रे ये भली कुकार्य मान करी से सरे निजे निशेष हो गला
ଏଇ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି। କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁପରିଣତିରେ ତାକୁ ସମାଧି ଦେଇ ନ୍ୟାୟବନ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦୁଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କରି ସେଇ ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇଥିବା ମହାକାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।